पैल वर्ल्ड पोकेमोन और माइनक्राफ्ट से इंस्पायर्ड एक ऐसा गेम जिसने रिलीज होते ही पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। आजकल हर बड़ा यूट्यूबर सिर्फ इसी पर वीडियो बना रहे, इसीलिए गाइज हम लोग भी करने वाले हैं सर्वाइव 100 डेज इन पैल वर्ल्ड, जहां पर मैं काफी ज्यादा क्यूट से पैल्स को पकड़ने वाला हूं, बट उससे भी ज्यादा हमें खतरनाक पैल्स को पकड़ना पड़ेगा। और यहां पे हम लोग ब्रीडिंग भी करा सकते हैं, मतलब दो पैल्स को मिलाकर एक बॉस पैल भी बना सकते हैं। तो गाइज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस चैलेंज में, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने गेम की तरफ। ओके गाइज यहाँ पे मैं अपने वर्ल्ड के अंदर तो आ चुका हूँ, एंड सामने की तरफ मुझे 3 क्यूट से पैल्स देखने को मिले जो कि मुझे देखकर दुम दबाकर भागने लग गए। एंड गाइज यहाँ पे पता नहीं मेरा पैर क्यों इतना ज्यादा लाल हो रहा है। सामने की तरफ गाइज मुझे एक टैबलेट देखने को मिला जिसमें लिखा था द टावर्स आर द की, द ट्री होल्ड्स द ट्रूथ। ओके गाइज मैंने इस टैबलेट को उठा लिया एंड मैं निकल पड़ा अपनी जर्नी के लिए। ऑल राइट गाइज हम लोग आ चुके अपने पोकेमोन के ब्यूटीफुल से वर्ल्ड में, एंड यहाँ पे आती गाइज मुझे सामने की तरफ एक टावर देखने को मिला जिसे मैंने अनलॉक कर दिया। बेसिकली ये एक फास्ट ट्रेवल था जिससे हम फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं हमारे इस वर्ल्ड में। एंड थोड़ा सा आगे जाती गाइज मुझे एक लैम्बोल देखने को मिला जो कि बहुत ज्यादा क्यूट था, बट गाइज मैंने इसको 2 घुसंड मार के मैं आगे चला गया गाइज वुड इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि गाइज हमें यहाँ पे बनाना था एक वर्क बेंच। एंड गाइज आप लोग देख सकते हो लिटरली मैं ये हाथ से वुड इकट्ठा कर रहा है। थोड़ा बहुत वुड इकट्ठा करने के बाद मैं जा ही रहा था कि मैंने देखा कि जिस लैम्बोल को हमने मारा था वो अपने दोस्तों को लेकर आ चुके हमें मारने के लिए, तो इन सबको मैंने फटाफट से निपटा डाला। एंड फिर मैंने अपने लिए बिल्ड किया यहाँ पे एक वर्क बेंच जिससे मैंने बनाया एक वुडन क्लब, एक स्टोन पिकेक्स एंड एक एक्स, ताकि गाइस हम लोग जितनी ज्यादा हो सके लूट इकट्ठा कर सकें। फिर गाइस मैंने टेक्नोलॉजी पॉइंट से अपने लिए अनलॉक किया एक पैल बॉक्स, पैल स्पेयर, कैंप फायर एंड वुडन चेस्ट और भी बहुत कुछ, ताकि गाइस हम लोग अपने लिए यहाँ पे एक छोटा सा बेस बना सकें। ये करने के बाद गाइस मैंने क्राफ्ट किया अपने लिए एक पैल बॉक्स जिसमें गाइस हम लोग अपने पैल्स को रख सकते हैं एंड अपने बेस पर भी डिप्लॉय कर सकते हैं, जहां पे हमारे पैल्स हमारे बेस पे काम करेंगे। एंड गाइस थोड़ा बहुत घूमने के बाद मुझे नीचे से मिलते एक पैल स्पेयर जिससे कि गाइस मैंने पकड़ा अपना फर्स्ट पैल जो कि था एक लैम्बोल। अब गाइस हम लोग इससे भी काम करवा सकते हैं। एंड सामने की तरफ गाइस आप लोग ये नीला पत्थर देख सकते हो, गाइस इससे हमें मिलता है पैलडियम फ्रेगमेंट जिससे हम बहुत सारे पैल स्पेयर बना सकते हैं एंड और भी काफी सारे पैल्स को यहाँ पे टेम कर सकते हैं। मैंने बनाए गाइस 3 पैल स्पेयर और मैं चला गया और भी पैल्स को टेम करने के लिए। मैंने टेम किया गाइस यहाँ पे एक चिकीपी को एंड उसके बाद मैं चला गया कैटिवा को टेम करने के लिए, बट गाइज ये कितना ज्यादा मुझे भगा रहा था लिटरली। मैं गाइज बहुत देर तक इसके पीछे भागने के बाद मैंने इसको थोड़ा बहुत मार कर इसको भी टेम कर लिया। फिर इसके बाद गाइज मैंने बिल्ड किया एक रिपेयर बेंच, एक कैंप फायर एंड एक वुडन चेस्ट, जिसके बाद गाइज हमें अपने बेस को करना था लेवल 2। मैंने फटाफट से अपने बेस को लेवल 2 भी कर दिया। एंड गाइज अब रात काफी ज्यादा हो गई थी इसलिए मैंने अपने लिए एक छोटा सा घर बनाया एंड मैं सो गया। अगले दिन गाइज मैंने बनाए अपने लिए कुछ कपड़े, आप लोग गाइज देख सकते हो कॉमेंट में बताना कैसे लग रहे, मुझे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहे थे। एंड गाइस मैंने बनाया एक फीड बॉक्स जिससे कि हमारे पैल्स खुद ब खुद गाइस खाना खा सके। एंड गाइस इसके बाद मैंने बनाया एक पावर स्टैचू, आप लोग देख सकते हो गाइस इससे हम लोग अपने पैल्स के कैप्चर रेट को बढ़ा सकते हैं। एंड गाइस थोड़ा बहुत घूमने के बाद मुझे वैसे ही एक टैबलेट फिर से मिल गया जो हमें गेम के शुरू में मिला था। एंड उसके बाद मैं घर पर आ गया, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी इस वजह से गाइस मैंने बनाया ग्रिल्ड चिकीपी, आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही बढ़िया तरीके से बना रहे हैं। एंड गाइस फिर मैंने बनाया एक बेरी प्लांटेशन जिससे गाइस हमारे पैल्स खुद ब खुद बेरी इकट्ठा कर खा सकते हैं। एंड फिर मैंने गाइस बनाया एक रेंच जिससे गाइस हमारे पैल्स अंडे वगैरह दे सकते हैं, वो इकट्ठा कर सकते हैं। एंड गाइस सफर पर जाने से पहले मैंने सोचा मैं अपने बेस को थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, मैंने अपने घर पर थोड़े और फाउंडेशन लगा लिए। एंड गाइस मैंने बनाए अपने पैल्स के लिए बहुत सारे बेड्स जिससे कि गाइस हमारे पैल्स भी यहाँ पर रेस्ट कर सके। फिर गाइस मैंने बनाया यहाँ पे एक लॉगिंग साइड एंड उसके बाद मैंने बनाया एक स्टोन पिट जिससे गाइस हमें वुड इकट्ठा करने के लिए या स्टोन इकट्ठा करने के लिए खुद नहीं जाना पड़ेगा, हमारे पैल्स खुद ही इकट्ठा कर लेंगे। फिर मैंने बनाया एक पैराशूट एंड मैं चला गया गाइस और भी पोकेमोन्स को और पकड़ने के लिए। मैंने देखा गाइस एक सिंडिकेट्स का इलाका एंड इन्होंने एक पोकेमोन को पकड़ा हुआ था, मैंने गाइस जल्दी से इन सबको मार डाला एंड गाइस उस पोकेमोन को भी रिलीज कर लिया जो कि हमारे बेस के अंदर चला गया। फिर गाइस मैंने पकड़ा एक फॉक्स पार्क को जो कि एक फायर टाइप पोकेमोन है एंड उसके बाद मैंने पकड़ा एक बंदर को, गाइस आप लोग देख सकते हो टेंजी नाम है इसका।
एंड गाइस थोड़ा सा आगे जाते ही मैंने देखा एक उड़ने वाला चिड़िया, गाइस मुझे इसे किसी भी हाल में पकड़ना था, तो गाइस मैंने अपने पोकेमोन को भेज दिया इसे लड़ाई करने के लिए। एंड थोड़ी देर गाइस लड़ाई करने के बाद मैंने फाइनली इसको भी पकड़ लिया। इसको पकड़ने के बाद गाइस मैं चला गया अपने बेस पर। एंड गाइस मैंने देखा कि हमारे सारे पैल्स सो रहे हैं, आप लोग देख सकते हो गाइस सोते हुए कितना ज्यादा क्यूट लग रहे हैं सभी के सभी। सुबह होते गाइस मैंने बना लिया कुछ और पावरफुल वेपन एंड मैं चला गया और भी पोकेमोन पकड़ने के लिए। थोड़ा सा गाइस आगे जाते ही मैंने देखा दो वाटर टाइप पोकेमोन सेल रहे, एंड गाइस मैंने भेज दिया अपने नेटविंग को इनको मारने के लिए। गाइस लेकिन ये तो उल्टा मुझे ही मार रही थी, मेरे नेटविंग को गाइस मार ही नहीं रहे थे। एंड गाइस थोड़ी देर फाइट करने के बाद मैंने इन दोनों को ही पकड़ लिया। एंड गाइस फिर मैंने देखा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डियर टाइप पोकेमोन जिसका नाम था गाइस एथी डियर, एंड मैंने अपने नेटविंग को भेज दिया। बट गाइस ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमोन था, ये तो हाथ में नहीं आ रहा था, लिटरली में गाइस ये मुझे भी मार रहा था और मेरे नेटविंग का भी गाइस इसने हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन कर दिया था मारते मारते। बट गाइस फाइनली हमारे नेटविंग ने इसको मार डाला, लिटरली में गाइस मुझे इसको पकड़ना था लेकिन गाइस यहाँ पे हमारे नेटविंग ने इसको डाउन ही कर दिया। एंड इसके बाद गाइस थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे एक और पोकेमोन दिखा जिसका नाम था गाइस कैप्रिटी, जो कि एक ग्रास टाइप पोकेमोन था। गाइस मैंने अपने नेटविंग को भेज दिया इसको मारने के लिए। एंड गाइस लिटरली में ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल पोकेमोन था, इससे भी गाइस काफी ज्यादा देर हमारी लड़ाई चलती रही। एंड इसके बाद गाइस मैंने अपना पोकेबॉल भेज दिया, बट गाइस ये लिटरली में मेरे पोकेबॉल में आ ही नहीं रहा था। ओके गाइस थोड़ी देर और लड़ाई करने के बाद मैंने इसको फाइनली कैप्चर कर लिया। एंड इसके बाद गाइस मैं चला गया अपने बेस पर एंड मैंने बिल्ड किया एक क्रशर, एंड इसके बाद मैंने बिल्ड किया एक साइन बोर्ड जिस पे मैंने लिख लिया सब्सक्राइब। अगर अभी तक गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड ये वीडियो फुल वॉच करना, आगे हम और भी बड़े बड़े बॉसेस को पकड़ने वाले हैं अभी। एंड गाइस मैं फिर से चला गया उस हिरन टाइप पोकेमोन को ढूंढने के लिए एथी डियर। एंड गाइस काफी ज्यादा घूमने के बाद मुझे फाइनली वो हिरन टाइप पोकेमोन दिख गई थी, एंड उससे काफी ज्यादा देर लड़ाई करने के बाद मैंने गाइस फाइनली उस हिरन टाइप पोकेमोन को भी कैप्चर कर लिया। वापस बेस पर आने के बाद मैंने बढ़ाया अपना कैप्चर पावर स्टैचू की मदद से। एंड उसके बाद गाइस मैंने बिल्ड किए काफी सारे एरोस एंड मैं चला गया अपना फर्स्ट बॉस फाइट करने के लिए। ऑलराइट गाइस मैं आ चुका हूं अपना फर्स्ट बॉस फाइट करने के लिए। गाइस आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ एक वाटर टाइप यहाँ पे पोकेमोन है चेलेट नाम का, मैंने अपने नेटविंग को गाइस भेज दिया एंड मैं जाके जरा दूर खड़ा हो जाता हूँ, बिकॉज गाइस ये चेलेट हमेशा मुझ पे ही हमला करेगा, मुझे पता है गाइस। एंड अगर मैं मर गया गाइस यहाँ पे ये फाइट खत्म हो जाएगा, एंड आप लोग देख सकते हो गाइस मेरा नेटविंग इसको गिरा देगा, मुझे पता है काफी ज्यादा देर तक गाइस इससे फाइट करने के बाद इसका हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन हो चुका था, इसीलिए गाइस मैंने सोचा इसको कैप्चर करने की। मैंने गाइस इस पर पोकेबॉल फेंक तो दिया, बट गाइस यहाँ पे ये पोकेबॉल पर आ ही नहीं रहा था, लिटरली मैं बार बार निकल रहा था गाइस पोकेबॉल से, लेकिन गाइस फाइनली काफी ज्यादा देर बाद मैंने इसको कैप्चर कर ही लिया। एंड थोड़ा सा और आगे जाने के बाद गाइस मुझे दिखा ये स्किल फ्रूट का ट्री, गाइस इस पे जो फ्रूट लगे ये एक स्किल फ्रूट है जिससे हम लोग गाइस अपने पैल्स की स्किल रेट बढ़ा सकते हैं। एंड गाइस सामने की तरफ मुझे दो क्यूट से पैल्स दिखे, गाइस ये पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, खेल रहे हैं ये। ऑल राइट गाइस काफी ज्यादा देर घूमने के बाद मुझे दिख चुका था गाइस मेमोरिस्ट, जो कि गाइस इस वर्ल्ड का राजा है, आप लोग देख सकते हो गाइस 38 लेवल का, लिटरली मैं अभी तो मैं इससे पंगा नहीं ले सकता, औकात के बाहर ही है गाइस। मैं अभी जाता हूँ और पैल्स को ढूंढने के लिए। ओके गाइस काफी सारे और पैल्स को पकड़ने के बाद मैं आ चुका था अपने बेस पर। एंड गाइस मेरे आते ही यहाँ पे रेड हो गया, लिटरली में गाइस आप लोग देख सकते हो। एंड गाइस मेरे पैल्स और मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, तो मैंने इन सबको मार डाला। एंड गाइस इनमें से मैंने एक पैल को कैप्चर भी कर लिया। अब गाइस जिंदगी भर ये हमारे बेस पे काम करता रहेगा, जा बे काम कर। एंड गाइस फिर मैंने बनाया अपने मेलपाका का सैडल जिससे कि हम लोग अपने मेलपाका के ऊपर बैठ सकते हैं। एंड मैंने बनाया फॉक्स का हार्नेस जिससे गाइस हम फ्लेम थ्रोवर यूज कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस मैंने और भी बहुत से छोटे छोटे ब्यूटीफुल से पैल्स को पकड़ा। एंड गाइस मैं आ चुका था एक बहुत ही अनजान से जगह में, यहाँ पे गाइस मुझे दिखा एक और बड़ा सा पैल गाइस रुशोर नाम से, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इससे गाइस हमारी लड़ाई हो गई थी मेरे और मेरे एथी डियर की। एंड गाइस मैंने फाइनली काफी देर लड़ाई करने के बाद एक को पकड़ा, एंड गाइस मेरे एथी डियर ने यहाँ पे एक को मार डाला। एंड गाइस यहीं पे थोड़ी देर घूमने के बाद मुझे दिखा गाइस एक पिकाचू जैसा पोकेमोन, गाइस मैंने इसको भी टेम कर लिया। एंड गाइस वापस बेस पर आने के बाद मैंने बनाए अपने लिए कुछ नए कपड़े, आप लोग बताओ गाइस ये कैसे लग रहे हैं मुझ पर। एंड गाइस ये सब करने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। एंड गाइस मैं चला गया था एक बॉस से लड़ने के लिए, जो कि गाइस बहुत बड़ा बॉस है, ग्रिस बोल्ट से गाइस मैं लड़ने के लिए चला गया। यहाँ पे गाइस एक लड़की सामने से आ रही है, आप लोग देख सकते हो। एंड गाइस ये ग्रिस बोल्ट नहीं है, इसका जो पैल है गाइस जो कि इस पोकेबॉल के अंदर है वो ग्रिस बोल्ट है गाइस, आप लोग देख सकते हो।
कितना ही ज्यादा बड़ा पावरफुल पोकेमोन है गाइस, ये पिकाचू जैसा लगता है बट गाइस ये बहुत ज्यादा जायंट है। एंड देखते हैं गाइस कि मैं इसको हरा पाता हूँ या फिर नहीं। एंड गाइस लड़ाई शुरू होती है, मैंने अपना एथीडियर इस पर छोड़ दिया। एंड देखते हैं गाइस ये एथीडियर कैसा परफॉर्मेंस दे पाता है, बट आप लोग देख सकते हो गाइस लिटरली मैं ये तो गाइस मेरे पीछे लग चुका है, बहुत ही ज्यादा डरावना है गाइस। मैंने अपना चिलेट यहाँ पे बाहर निकाला, वेट गाइस एक ही दफा में इसने मेरा आधा हेल्थ खा लिया गाइस, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। पहले ये गाइस मैंने अपना चिलेट छोड़ दिया जो कि इसको नॉर्मल सा डैमेज दे रहा है गाइस, कुछ अच्छा खासा डैमेज नहीं दे रहा। आप लोग देख सकते हो गाइस 30,000 से ज्यादा इसकी हेल्थ है गाइस, बहुत ही ज्यादा बड़ा जायंट पोकेमोन है। मैंने गलती कर दी है गाइस मुझे लगता है यहाँ पे आके। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस मैंने अपना यहाँ पे फॉक्स पार्क निकाल दिए जो कि गाइस इसको बहुत ही ज्यादा बढ़िया डैमेज दे रहे। आप लोग देख सकते हो गाइस फॉक्स पार्क का फ्लेम थ्रोअर काफी ज्यादा बढ़िया। एंड वेट गाइस इसने गाइस आप लोग देख सकते हो मुझे वन शॉट कर लिया यहाँ पे। ऑल राइट गाइस, ग्रिस बोल्ट से बहुत ही बुरे तरीके से पिटने के बाद मैं आ चुका हूं अपने बेस पर। एंड गाइस मैं अभी सोच रहा हूं अपने बेस को थोड़ा बहुत अपग्रेड करने की। एंड यहां पे गाइस मैं काम करता हूं, यहां पे अपने बेस को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ऑल राइट गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपने बेस पे बहुत सारे वुडन प्लांट्स लगा के यहाँ पे इसको बड़ा तो कर लिए। एंड गाइस अब मैं सोच रहा हूँ अपने पैल्स के लिए बहुत सारे बेड्स बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हो गाइस मैं बहुत सारे पैल्स अभी तक पकड़ चुका हूँ। एंड गाइस मुझे और भी बेड्स की जरूरत है, तो मैं काम करता हूँ अपने पैल्स के लिए और भी बेड्स बना देता हूँ। एंड गाइस मैंने बेरी प्लांटेशन वहां से हटा के यहाँ पे बिल्ड करने का सोचा, आप लोग देख सकते हो गाइस। इसके बाद गाइस मैंने अपने सारे वर्क बेंच भी वहां से हटा दिए एंड यहाँ पे बिल्ड कर लिए अपने पैल्स की मदद से, बहुत ही जल्दी बिल्ड हो गए। एंड इसके बाद मैंने बनाया अपने लिए एक बेड क्योंकि गाइस रात बहुत ही ज्यादा हो गई थी। एंड मैं सो गया, सुबह होती गाइस मैंने देखा ये फोएक नाम का जो पैल है हमारा गाइस ये हमारे बेरीज को प्लांटेशन कर रहा है, यहाँ पे पानी दे रहा है हमारे बेरीज को। एंड थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने देखा गाइस इन लोगों ने हमारे रेंच के अंदर कितना ज्यादा लूट जमा किया, कितना ज्यादा पोकेमोन्स जमा किए गाइस, मैंने इन सबको इकट्ठा कर लिया। इसके बाद गाइस मैंने बनाया अपने लिए एक प्रिमिटिव फर्नेस जो कि हमें इंगोट बिल्ड करके देगा। इसके बाद गाइस एक दफा फिर से हमारे बेस पर रेड हो गया था गाइस, इन बच्चे लोग को समझ में नहीं आता कि मेरे पैल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ऑल राइट गाइस मैंने और मेरे पैल्स ने मिलकर इन सबको मार डाला। एंड गाइस मैंने इनमें से कुछ को कैप्चर भी कर लिया। फिर गाइस मैंने फाइनली कुछ इंगोट्स बनाने के लिए रख लिए, गाइस हमें और की जरूरत है ताकि हम और भी बहुत सारे इंगोट्स बना सकें। एंड गाइस फिर मैंने अपने लिए बनाया एक थ्री शॉट बो एंड मैंने कुछ हैरोज भी क्राफ्ट करने के लिए रख लिए जो कि हमारी लीफ मंक बनाती रहेगी। फिर इसके बाद गाइस मैंने बनाया एक हाई क्वालिटी वर्क बेंच जिसकी मदद से मैंने बिल्ड किया अपने लिए एक पेल्ट हार्मर। आप लोग गाइस देख के बताओ ये कैसा लग रहा है, कमेंट में जाके मुझे बताओ। फिर गाइस मैंने बनाया अपने एथीडियर के लिए एक सैडल जिसकी मदद से गाइस हम लोग अपने एथीडियर पे बैठ सकते हैं। एंड गाइस मैं चला गया और भी पोकेमोन्स को ढूंढने के लिए। एंड गाइस मुझे मिले कुछ और सिंडिकेट्स जो कि गाइस पता नहीं कोई हाई क्वालिटी सिंडिकेट्स थे। इनसे गाइस काफी देर फाइट करने के बाद मुझे पता चला गाइस इन लोगों ने एक पैल को पकड़ कर रखा हुआ है अपने पास। एंड गाइस मैं चला गया उसको रिलीज करने के लिए, उसको गाइस रिलीज करते ही वो मेरे बेस में चला गया। वैन वर्म का गाइस एक फायर टाइप एंड एक ड्रैगन टाइप का पोकेमोन जो कि गाइस बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप लोग देख सकते हो गाइस ये रहा वो पोकेमोन जो उन सिंडिकेट्स ने पकड़ कर रखा था। एंड फाइनली ये गाइस अब हमारे पास है। एंड गाइस इसको लेकर मैं रात के वक्त चला गया कुछ और पोकेमोन्स को ढूंढने के लिए। एंड मुझे मिला गाइस एक टॉम बेट पोकेमोन जो कि गाइस मुझे बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। इसके साथ गाइस मैंने फाइट की, काफी ज्यादा देर फाइट की। एंड फाइनली गाइस मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। एंड गाइस अगले दिन मैंने अपने लिए बनाया एक क्रॉसबो जिससे गाइस हम और भी बढ़िया पैल्स को आराम से पकड़ सकते हैं। एंड गाइस अब मुझे चाहिए बहुत सारे ओर्स क्योंकि गाइस मुझे बनाने कुछ इंगोट्स ताकि हम लोग अपने नेटविंग का सैडल बनाकर उस पर उड़ सकें। एंड गाइस मैंने फाइनली बहुत सारे और इकट्ठा किए एंड इंगोट्स बनाए एंड मैंने गाइस अपने नेटविंग का सैडल भी बना लिया। एंड फाइनली गाइस आप देख सकते हो अब हम अपने नेटविंग पर उड़ सकते हैं एंड और भी पावरफुल पैल्स को कैप्चर कर सकते हैं। एंड फिर गाइस इस पर बैठे बैठे मैं काफी ज्यादा दूर आ गया था। एंड सामने की तरफ आप लोग देख सकते हो गाइस ये किसकी हड्डियां हैं, लिटरली में गाइस ये पता नहीं कौन से बड़े पोकेमोन्स की हड्डियां। अगर गाइस ये अभी होता तो गाइस हम लिटरली में इसको भी पकड़ लेते हैं। फिर गाइस मैंने बनाया अपने पैल्स के लिए एक और स्प्रिंग जिसमें गाइस मेरे पैल्स बैठकर चिल कर सकते हैं, नहा सकते हैं। एंड इसको बनाने के बाद गाइस मेरा बेस लेवल 8 का हो गया। एंड इसके बाद गाइस मेरा बेस लेवल 9 का भी उसी वक्त हो गया। एंड इसके बाद गाइस मैंने बनाया अपने लिए एक स्पेयर बेंच, एक फ्रिज एंड एक एग इनक्यूबुलेटर जिससे कि गाइस हम अपने एग्स को इनक्यूबुलेट करके और भी बहुत बढ़िया पैल्स बना सके।
एंड गाइस फिर थोड़ी देर घूमने के बाद मुझे दिखा एक बहुत ही सीक्रेट है डंजन में गाइस, जिसके जब अंदर गया इसके अंदर गाइस मुझे बहुत ही अजीब सा माहौल मिला और भी गाइस बहुत ही बढ़िया बढ़िया पैल्स नजर आए। एंड गाइस फिर मुझे एक माऊ नजर आया जिसको गाइस मैंने गलती से मार दिया। एंड इसके बाद गाइस थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे ग्यूमोस नजर आया जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा बिग साइज में था गाइस। इससे गाइस थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद गाइस मैंने इसको भी फाइनली अपने पैल की मदद से कैप्चर कर लिया। एंड फिर गाइस मुझे लग रहा था यहाँ पे सामने और भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीजें, बट गाइस यहाँ पे मुझे दो ट्रेजर मिले एंड मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुबह होते ही गाइस मैंने कुछ एग्स को इनक्यूबुलेट किया जो कि गाइस मुझे ऐसी जंगल में मिले थे। इनमें से गाइस एक एग में सिनामोथ निकला एंड इसके बाद गाइस हमारे बेस में फिर से रेड हो गया और भी गाइस बच्चे लोग आ रहे थे हमसे लड़ने के लिए, जिनसे गाइस मेरे पेल्स बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़े एंड गाइस इन सबको मार डाला, मुझे गाइस एक भी पैल पकड़ने ही नहीं दिया। फिर गाइस मैंने बनाया अपने डे ड्रीम के लिए एक नेकलेस जिससे कि गाइस हमारा डे ड्रीम 24 घंटा हमारे साथ घूमता रहेगा। एक दफा फिर गाइस हम लोग आ चुके ग्रेस बोल्ट को मारने के लिए गाइस, जिसने पिछली दफा हमको बहुत बुरी तरीके से मारा था, बट गाइस इस दफा तो हम इसको बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से मारेंगे। लिटरली मैं गाइस आज मैं लेके आ चुका हूं अपने साथ अपने सारे खतरनाक पेल्स एंड गाइस आज हम इसको किसी भी हाल में मार के लेंगे। पहली दफा तो गाइस इसने मुझे मारा था तब गाइस मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था, बट गाइस अभी मैं इसको बहुत ही बुरे तरीके से मारने वाला हूँ, आप लोग बस देखते रहना। एंड गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर गाइस आप लोगों को पैल वर्ल्ड की डेली वीडियोस चाहिए तो गाइस मुझे कॉमेंट करो, मैं आप लोगों के लिए पूरा सीरीज लेके आऊंगा। लिटरली मैं गाइस मैं आप लोगों के लिए पूरा सीरीज लेके आऊंगा पैल वर्ल्ड की। एंड सामने आप लोग देख सकते हो गाइस हमारा वैनवर्म कुत्ता बना के मार रहा है। लिटरली मैं गाइस ग्रेस बोल्ट को जला के रख दिया उसने, आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट चल रहा है यहाँ पे। गाइस ग्रिस बोल्ट का हेल्थ काफी ज्यादा डाउन हो चुका है, हम लोगों ने गाइस ऑलमोस्ट 30% हेल्थ ग्रिस बोल्ट का डाउन कर लिया यहाँ पे। एंड गाइस इसको आज हम किसी भी हाल में मार के ही रहेंगे। ऑल राइट गाइस यहाँ पे हमारे वैनवर्म ने काफी ज्यादा हेल्थ डाउन कर लिया हमारे ग्रिस बोल्ट का। लिटरली मैं गाइस वैनवर्म अकेला मेरा अकेला पहल गाइस मैंने छोड़ा था एंड उसने 4000 हेल्थ बचाया ग्रिस बोल्ट का, आप लोग देख सकते हो। एंड गाइस अभी मैंने जायंट ग्यूमोस को भेजा एंड देखते गाइस ये कैसा परफॉर्मेंस दे पाती है, आप लोग देख सकते हो ये भी गाइस काफी ज्यादा हेल्थ डाउन कर रही है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है अगेंस्ट ग्रिस बोल्ट। एंड गाइस आज तो किसी भी तरीके से इसको मार के ही रहेंगे, आप लोग देख सकते हो गाइस काफी ज्यादा हेल्थ इसने भी डाउन कर लिया। एंड फाइनली गाइस फाइनली हम लोगों ने ऑफिशियली अपना फर्स्ट बॉस किल कर लिए, हम लोगों ने गाइस ग्रिस बोल्ट को मार दिया। अगले दिन गाइस मैंने कुछ और एग्स को इनक्यूबुलेट किया जो कि गाइस मैंने जंगल में पकड़े थे। एक में गाइस ग्रीन टेल निकला, एज में सिनामोथ एंड गाइस जो हमारा लास्ट एग है जो कि डार्क टाइप है उसमें गाइस टॉम बेट निकला। एंड गाइस फिर मैंने बनाया अपने लिए एक वेपन वर्कबेंच जो कि गाइस हम लोगों को पिस्टल वगैरह बनाने में मदद करेगी। इसी के साथ गाइस हमारा बेस भी लेवल 12 का हो चुका है यहाँ पे। फिर गाइस मैं चला गया एक बॉस पैल को हराने के लिए डंजन के अंदर जो कि गाइस एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फ्रोजन टाइप पैल है, आप लोग देख सकते हो गाइस। ऑल राइट एंटर द डंजन करते हैं एंड देखते गाइस कि ये कैसा पहल है। ऑल राइट गाइस हम लोग यहाँ पे डंजन के अंदर आ चुके हैं एंड सामने की तरफ है हमारा गाइस पैंकिंग एंड इसके बहुत सारे बच्चे। गाइस पहले मुझे इसके बच्चों को मारना पड़ेगा क्योंकि गाइस ये फिर मुझे मारने नहीं देंगे अपने पापा को। एंड गाइस मैंने यहाँ पे अपना वैनवर्म छोड़ दिया एंड आप लोग देख सकते हो गाइस इसके बच्चे हम लोगों को बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। हमारा वैनवर्म गाइस पापा को मारेगा एंड हम लोग बच्चों को मार देंगे। एंड गाइस आज मुझे किसी भी हाल में गाइस पैंकिंग को मारना नहीं है, पैंकिंग को कैच करना है, अपने साथ लेकर अपने बेस में काम कराना है गाइस इससे। एंड यहाँ पे गाइस मैंने ऑलमोस्ट इसके सारे बच्चों को तो डाउन कर ही दिया अपने क्रॉसबो की हेल्प से। एंड गाइस अभी मुझे पैंकिंग को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि गाइस मेरे वैनवर्म ने काफी ज्यादा हेल्थ डाउन कर दिया पैंकिंग का, आप लोग देख सकते हो। ऑल राइट गाइस मैंने यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिए एंड वेट आया गाइस आया पैंकिंग। ऑल राइट तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट भी पैंकिंग इन द जेब हो गया गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने पैंकिंग को पकड़ लिया एंड हम लोग चलते अपने नेक्स्ट बॉस को पकड़ने के लिए। ऑल राइट गाइस पैंकिंग को पकड़ने के बाद मैं आ चुका हूँ गाइस सामने की तरफ, आप लोग देख सकते हो किंग पाका को पकड़ने के लिए जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा बड़ा पहले बहुत जाइंट है, बट गाइस इसके भी यहाँ पे बच्चे घूम रहे जो कि है मेल पाका। पहले गाइस मुझे इनको डाउन करना पड़ेगा बिकॉज गाइस ये बाद में बहुत ही ज्यादा दिक्कत देने वाले। एंड गाइस ऑलरेडी मैंने इनको डाउन कर लिया, अब गाइस पापा की बारी है। मैं गाइस इसको बहुत ही मुझे पता है गाइस बहुत ही आराम से मारूंगा क्योंकि गाइस पैंकिंग को तो हमने चुटकियों में मार दिया था एंड इसको भी मार देंगे। ऑल राइट आप लोग देख सकते हो गाइस हमारा वैनवर्म बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका हेल्थ डाउन कर रहा है। गाइस मुझे लगा कि मैं इसको बहुत ही आराम से डाउन करने वाला हूं, बट गाइस ये बहुत ही ज्यादा बड़ा पहले एंड ये गाइस मुझे भी मार रहा है, आप लोग देख सकते हो गाइस लिटरली में ये मेरे पीछे भी आ रहा है। एंड वेट गाइस यहाँ पे ये मेरे ऑल राइट गाइस यहाँ पे मैं बच चुका हूँ।
एंड गाइज मेरा वेनवॉर्म भी गाइज बहुत ही मरने वाले, लिटरली में मेरा वेनवॉर्म का हेल्थ काफी बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुका है। एंड गाइज मैंने यहाँ पे अपने चिलेट को भेज दिया, वेनवॉर्म ने काफी ज्यादा इसका हेल्थ डाउन कर दिया था, बट गाइज अब देखते हैं कि चिलेट कैसा परफॉर्मेंस दे पाती है। चिलेट भी गाइज एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया बॉस पोकेमोन है। एंड गाइज आप लोग देख सकते हो चिलेट भी ऑल राइट, गाइज यहाँ पे चिलेट ने इसको जमा दिए एंड ओके गाइज ये मुझे मारने वाली है, गाइज मुझे भागना पड़ेगा। ऑल राइट गाइज इसको काफी ज्यादा इसका हेल्थ डाउन हो चुका है, गाइज मुझे लगता है अभी मुझे इसको पकड़ना चाहिए। गाइज यहाँ पे इसका काफी हेल्थ डाउन हो गया एंड इसने हमारे चिलेट को मार दिया। मैंने गाइज यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिए, देखते गाइज ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आता है या फिर नहीं। ऑल राइट यहाँ पे गाइज हमारा किंग पाका आ चुका है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। ओके गाइज तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो पोकेमोन को हमने पकड़ा था, ये देख सकते हो आप किंग पाका किंग होगा गाइज ये अपने घर में यहाँ पे पत्थर तोड़ेगा लिटरली गाइज आप लोग देख सकते हो वहां पे ये किंग पाका, बट गाइज यहाँ पे मेरे विलेज में ये मेरा बच्चा ये पत्थर तोड़ेगा। एंड आप लोग देख सकते हो गाइज ये जायंट पोकेमोन मेल पाका गाइज ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एंड गाइज आप लोग देख सकते हो इसके सर पे ताज भी है लिटरली में गाइज ये असली का किंग लग रहा है। पेंग किंग और किंग पाका को पकड़ने के बाद गाइज मैंने सोचा कुछ एरोस बनाकर हम लोग चढ़ते हैं और भी बॉस पोकेमोन को पकड़ने के लिए। ऑल राइट गाइज मैं आ चुका हूँ यहाँ पे एजोरूबी को पकड़ने के लिए गाइज, जो की एक वाटर टाइप पोकेमोन है जो की गाइज मुझे डेफिनेटली चाहिए, बिकॉज मुझे एक वाटर टाइप पोकेमोन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड यहाँ पे गाइज मैंने इसको मार तो दिया है, अबे पेंकिंग जान है इस पे अटैक कर, गाइज मैंने अपने पेंकिंग को भेज दिया इस पर अटैक करने के लिए। एंड वेट गाइज इसका बहुत ही ज्यादा हेल्थ डाउन हो चुका है, गाइज मैंने इसको क्रॉसबो मारा एक एंड इसका काफी ज्यादा हेल्थ डाउन हो चुका है, बिकॉज गाइज ये एक वाटर टाइप पोकेमोन है। एंड गाइज मैं इसको जो मार रहा हूँ वो है एक फायर टाइप एरो एंड इसका काफी सारा हेल्थ हमारे पेंकिंग ने भी गाइज डाउन कर दिया है। एंड देखते गाइज कि हम लोग आज इसको पकड़ पाते हैं या फिर नहीं। डेफिनेटली गाइज मुझे ये चाहिए, मुझे गाइज खुद को बचाना पड़ेगा क्योंकि गाइज अगर इसने मुझे मार दिया तो ये बैटल गाइज यहीं पे खत्म हो जाएगा, बिकॉज गाइज अगर मैं मर गया मैं अपने बेस पे चला जाऊंगा एंड ये बैटल यहीं पे खत्म हो जाएगा। एंड गाइज आप लोग देख सकते हो हमारा पेंकिंग गाइज इसको काफी ज्यादा बढ़िया वाला डैमेज दे रहा है एजोरूबी को। ऑल राइट तो गाइज फाइनली हम लोगों ने काफी देर बैटल करने के बाद एजोरूबी को पकड़ लिया एंड पकड़ने के बाद गाइज आप लोग देख सकते हो हमारा पेंकिंग कैसे जंप मार रहा है। गाइज एजोरूबी को पकड़ने के बाद मैं आ चुका हूँ बुशी को पकड़ने, जो कि गाइज 23 लेवल का फायर टाइप पोकेमोन है आप लोग देख सकते हो। एंड इसको मारने के लिए गाइज मैंने अपने वेनवॉर्म को भेज दिया, जो कि गाइज मुझे पता है इतना डैमेज नहीं दे पाएगा क्योंकि गाइज ये भी फायर टाइप पोकेमोन है वो भी फायर टाइप पोकेमोन है, तो गाइज ये इतना डैमेज नहीं दे पाएगा, बट देखते गाइज कि कितना ही डैमेज दे देता है। ऑल राइट गाइज यहाँ पे डैमेज अच्छे से दे रहा है हमारा वेनवॉर्म भी। एंड गाइज मुझे किसी भी तरीके से यहाँ पे बुशी से खुद को बचाना है, बिकॉज गाइज अगर मैं मर गया तो आप लोगों को पता है गाइज मैं अपने बेस पे शिफ्ट हो जाऊंगा एंड ये बैटल यहीं पे खत्म हो सकता है। ऑल राइट गाइज आप लोगों ने देखा एक ही गाइज अटैक में इस बंदी ने मेरा पूरा शील्ड का लिया लिटरली में, गाइज मुझे इसको किसी भी हाल में पकड़ना है बिकॉज गाइज ये भी काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है। ऑल राइट गाइज काफी ज्यादा देर हमारे वेनवॉर्म ने इसका हेल्थ डाउन कर लिया, बट गाइज वो इतना हेल्थ डाउन नहीं कर पा रहा था बिकॉज गाइज वो फायर टाइप पोकेमोन है, तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे अपने पेंकिंग को भेज दिया एंड देखते गाइज हमारा पेंकिंग कितना हेल्थ इसका डाउन कर पाता है। आप लोग देख सकते हो गाइज वो पता नहीं मेरे ही पीछे क्यों लगी हुई है, गाइज आप लोग देख सकते हो ये मेरा पीछा कर रही है बिकॉज गाइज ये मुझे मारना चाहती है ताकि गाइज ये बैटल यहीं पे खत्म हो जाए एंड हम लोग इसको ना पकड़ पाए। ऑल राइट गाइज काफी देर इससे बैटल करने के बाद इसने मेरे पेंकिंग को भी यहाँ पे मार दिया, गाइज बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है ये। मैंने अपने किंग पाका को गाइज यहाँ पे भेज दिया एंड आप लोग देख सकते हो गाइज फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने कर लिया, यहाँ पे आएगी आएगी। ऑल राइट गाइज यहाँ पे आ चुकी है हमारी बुशी हमारे पास। वापस बेस पर आने के बाद गाइज मैंने बनाया एक ब्रीडिंग फार्म, आप लोग देख सकते हो गाइज इसके अंदर हमारे पेल्स ब्रीड कर सकते हैं एंड हमें और भी बढ़िया बढ़िया एग देकर और भी बढ़िया बढ़िया पेल्स मिल सकते हैं। गाइज फार्म बनाने के बाद गाइज मैंने पकड़ा चिलेट को ताकि गाइज हम लोग चिलेट का ब्रीडिंग करवा सकें। मैंने गाइज चिलेट को पकड़कर फार्म पर फेंक दिया एंड हम लोग देखते हैं गाइस हम चिलेट की ब्रीडिंग किसके साथ करवा सकते हैं। ऑल राइट गाइस मैंने यहाँ पे फ्लेम बेल को उठा दिया क्योंकि गाइस हम लोग चिलेट की ब्रीडिंग कराने वाले हैं फ्लेम बेल के साथ एंड देखते हैं गाइस हमें कौन सा यूनिक पोकेमोन मिल सकता है। एजोरूबी और बुशी को पकड़ने के बाद गाइस मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था, मैं आ चुका था गाइस यूनिवोल्ट से लड़ने के लिए, जो कि गाइस 31 लेवल का इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है। गाइस मैंने यहाँ पे अपना बिग ग्यूमाउस छोड़ दिया इसको मारने के लिए एंड गाइस लिटरली में इसको कुछ भी असर ही नहीं हो रहा, आप लोग देख सकते हो गाइस ये भी मेरे पीछे आ रहा है। गाइज ये पोकेमोन जो मेरे पीछे आता है गाइज मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, भाई पोकेमोन से लड़ाई करो ना, तुम लोग मेरे पीछे क्यों आते हो। आप लोग देख सकते हो गाइज इसको 9 का और लिटरली में गाइज इसको 9 का डैमेज हो रहा है एंड गाइज इसने हमारे ग्यूमॉस को मार दिया।
ऑल राइट गाइस, इसने हमारे ग्यूमोस को यहाँ पे मार दिया। मैंने गाइस यहाँ पे अपने वेनवॉर्म को भेज दिया, देखते हैं गाइस हमारा वेनवॉर्म कैसा परफॉर्मेंस दे पाता है। गाइस काफी ज्यादा देर इससे लड़ाई करने के बाद अपने वेनवॉर्म पेंकिंग बुशी निटविंग गाइस सबको भेजने के बाद गाइस मैं समझ गया कि मैं इसको नहीं हरा सकता। मैं गाइस उसी वक्त वहां से भाग गया। ऑल राइट गाइस, हम लोगों ने फाइनली यहाँ पे केक बना लिया ताकि गाइस हम लोग वो ब्रीडिंग एग उठा पाए जो कि हमारे चिलिट और फ्लैम बेल ने दिए। आप लोग देख सकते हो इतना छोटा सा अंडा दिए हमारे फ्लैम बेल और चिलिट ने, देखते गाइस इसमें से कौन सा पोकेमोन निकल कर आता है। इसके बाद गाइस मैंने एक को रख लिया इनक्यूबेट होने के लिए, फिर गाइस मैंने पैंकिंग को पकड़ा ताकि गाइस हम लोग पैंकिंग की ब्रीडिंग करा सके बुशी के साथ, एंड देखते गाइस इनमें से कौन सा पैल निकल कर आता है। ऑल राइट गाइस, काफी देर वेट करने के बाद हमारा जो एग था वो इनक्यूबेट हो गया था जो कि चिलिट और फ्लैम बेल ने दिया था। एंड गाइस इसमें से जो पैल निकले वो है लुनारिस जो कि गाइस एक बॉस पैल है। ऑल राइट गाइस, एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया पैल हमारे यहाँ से निकल चुका है। ये रहा गाइस वो पैल लुनारिस, आप लोग देख सकते हो। बट गाइस ये बहुत ही ज्यादा छोटा सा है, जो हमारा बॉस लुनारिस है गाइस वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है जिसको हम आगे पकड़ने वाले। ऑल राइट गाइस, इसके बाद हमारा पैंकिंग और बुशी ने भी अंडा दे दिया था गाइस जो कि मैंने इनक्यूबेट होने के लिए रख लिया। गाइस ये पूरा आधा घंटा मांग रहा है। ऑल राइट गाइस, ये ह्यूज एग है, देखते गाइस इसमें से कौन सा पोकेमोन निकल कर आता है। एग रखने के बाद गाइस मैंने बनाया अपने लिए एक मेगा शील्ड ताकि गाइस बड़े बड़े पोकेमोन हम लोगों को इतना डैमेज नहीं दे पाए। शील्ड बनाने के बाद गाइस मैं आ चुका एक और बॉस पोकेमोन पकड़ने के लिए। आप लोग देख सकते हो गाइस 11 लेवल का बॉस पोकेमोन है जिसका नाम है स्वीपा। मैंने अपना वेनवॉर्म भेज दिया, एंड वेट गाइस इसने कितना ज्यादा हेल्थ एक ही दफा में कम कर लिया हमारे स्वीपा का। ऑल राइट गाइस, वन कैच, ओके गाइस फाइनली मैंने इस बॉस को भी पकड़ लिया। एंड इसके बच्चे लोग गाइस मुझे मार रहे थे, मैंने उनको भी गाइस अपना वेनवॉर्म बेचकर मार डाला। एंड गाइस मुझे फिर दिखा ब्रॉन्ज चेरी 23 लेवल का। आप लोग देख सकते हो गाइस कितना ज्यादा प्यारा पोकेमोन है एंड कितना ज्यादा जायंट है। इसको भी मारने के लिए गाइस मैंने अपना वेनवॉर्म भेज दिया। गाइस ये एक ग्रास टाइप पोकेमोन है, इसको भी गाइस फायर टाइप पोकेमोन बहुत ही आसानी से मार सकता है। आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही ज्यादा जायंट एंड ब्यूटीफुल सा गाइस ये पोकेमोन है। ऑल राइट गाइस, इससे काफी ज्यादा देर तक फाइट करने के बाद मेरे वेनवॉर्म ने इसका हेल्थ ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डाउन कर दिया था। एंड गाइस मैं सोच रहा हूँ इसको फर्स्ट अटेम्प्ट कर लूँ, एंड देखते गाइस ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे पास आएगा या फिर नहीं। ऑल राइट वेट गाइस, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं है। एंड गाइस इसको आग लग चुका है, मुझे गाइस इसको किसी भी हाल में कैच करना, इसको मरने नहीं देना। वेट गाइस लिटरली में ये आ ही नहीं रहा हमारे पोकीबॉल में। आप लोग देख सकते हो 24% कैप्चर रेट, बट गाइस ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। गाइस मेरा वेनवॉर्म इसको मार नहीं दे, मुझे बस इसी चीज का दुख है गाइस, मुझे इसी चीज का गाइस फिक्र हो रहा है अगर मेरे वेनवॉर्म ने इसको मार दिया। ऑल राइट गाइस 22% 54, ऑल राइट गाइस यहाँ पे मैंने पकड़ लिया ब्रॉन्ज चेरी को भी। ब्रॉन्ज चेरी को पकड़ने के बाद गाइस मैं आ चुका हूँ एक और डंजन फाइट के लिए। डंजन के अंदर जाते ही गाइस मैंने देखा एक डार्क टाइप पोकेमोन जो कि है कैटरेस 23 लेवल का। एंड गाइस इसने तो देखते ही गाइस मेरा शील्ड खत्म कर लिया। ऑल राइट गाइस, इसको मारने के लिए मैंने भेज दिया अपने वेनवॉर्म को जो कि गाइस बहुत ही आराम से इसका हेल्थ डाउन कर रहा है। ऑल राइट गाइस, ये एक डार्क टाइप पोकेमोन है, इसको मारने के लिए मेरे एक फायर टाइप पोकेमोन को भेज दिया। आप लोग देख सकते हो गाइस काफी सारा इसका हेल्थ डाउन हो चुका है। एंड गाइस इसको मुझे किसी भी हाल में आज पकड़ कर ही जाना है बिकॉज गाइस ये भी काफी ज्यादा पावरफुल लेडी पोकेमोन है। आप लोग देख सकते हो गाइस काफी ज्यादा हेल्थ डाउन कर लिया हमारे वेनवॉर्म ने इसका। एंड यहाँ पे गाइस मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया। आप लोग देख सकते हो गाइस मैंने मेगा स्पेयर भेजा इस पर। ऑल राइट, लेकिन गाइस ये नहीं आई, गाइस मुझे लगा ये आ जाएगी। ओके गाइस यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट मैंने कर लिया मेगा स्पेयर बेचकर, एंड आप लोग देख सकते हो। ओके ओके, ऑल राइट गाइस, ओके गाइस मैंने पकड़ लिया बॉस को। हमारी कैटरेस भी आ चुकी है। कैटरेस को पकड़ने के बाद गाइस जब मैं अपने बेस पर आया मैंने देखा गाइस जो एग हमारे पेंकिंग और बुशी ने दिया था वो इनक्यूबेट हो चुके हैं। एंड गाइस इसमें से हमें मिला है गाइस अनुबिस जो कि गाइस एक बॉस पोकेमोन है। लिटरली में गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो गाइस ये बहुत ही ज्यादा फास्ट पोकेमोन है। एंड यहाँ पे गाइस मैप पर आप लोग देख सकते हो 47 लेवल का ये बॉस पोकेमोन है। हमारा मैप भी गाइस ऑलमोस्ट पूरा खुल चुका है। इसके बाद गाइस मैं अपने नेटविंग पर घूम रहा था कि मुझे दो बढ़िया से पोकेमोन दिखते हैं गाइस। केलपासा नाम का गाइस ये पोकेमोन है जो कि मुझे बहुत ज्यादा कूल लग रहे थे। एंड गाइस मुझे दोनों को ही पकड़ना था, बट गाइस मैंने गलती से एक को मार डाल दिया।
बट गाइस जो दूसरा पोकेमोन है मुझे किसी भी आल में गाइस उसको पकड़ना है। पहले गाइस मुझे इसका हेल्थ काफी ज्यादा डाउन करना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए। ऑलराइट गाइस मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया, आप लोग देख सकते हो 53 कैप्चर रेट 77। ऑलराइट गाइस मैंने यहाँ पे इसको भी पकड़ लिया हमारा कैल पैसा। ओके गाइस थोड़ा सा और आगे जाने के बाद मुझे कुछ और कूल से पोकेमोन दिखते हैं। सर्फेंट नाम का गाइस एक और पोकेमोन मुझे दिखता है जो कि गाइस मुझे इसको भी किसी भी आल में पकड़ना है। गाइस ये एक वाटर टाइप पोकेमोन है जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है। मैंने अपने वैन वॉर्म को भेज दिया। गाइस यहाँ पे बहुत सारे सर्फेंट है, मुझे गाइस किसी भी आल में दो सर्फेंट पकड़ कर जाने, बट गाइस यहाँ पे मेरे वैन वॉर्म ने एक सर्फेंट को यहाँ पे मार डाल दिया। एंड गाइस मुझे ये जो दो सर्पेंट है इनको किसी भी आल में पकड़ना है। इनसे गाइस काफी ज्यादा देर फाइट करने के बाद मैंने फाइनली गाइस एक सर्पेंट को पकड़ लिया। ऑलमोस्ट गाइस मैंने एक को पकड़ लिया। एंड गाइस दूसरे को भी मुझे किसी भी आल में पकड़ना है। एंड इसके बाद गाइस एक ब्रॉन्ज चेरी मुझे देखने को मिला। गाइस इससे भी फाइट कर मैंने इसको भी बहुत ही आसानी से कैप्चर कर लिया। एंड गाइस रात के वक्त घूमते घूमते मुझे एक शाइनी पैल देखने को मिला जो कि गाइस मुझे सही से नजर भी नहीं आ रहा था, बट गाइस मैंने सोचा मुझे डेफिनेटली इसको कैप्चर करना। गाइस लूप मॉन नाम का पता नहीं कोई ऐसा पैल है, किसी भी हाल में गाइस मुझे इसको कैप्चर करना है। आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही ज्यादा शाइनी शाइनी पैल है। ऑलराइट गाइस मैंने यहां पे इस पे अटैक कर लिया। एंड गाइस मैं भेजने वाला हूं अपने वैन वॉर्म को। मुझे पता है गाइस मेरा वैन वॉर्म इसका हेल्थ काफी ज्यादा डाउन कर देगा, बट गाइस इसके साथ और भी कुछ पैल्स हैं। ओके गाइस ये एक लूप मॉन नहीं है जो कि गाइस हम पे ही अटैक कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। ऑलराइट यहां पे गाइस नॉर्मल लूप मॉन भी है जो कि गाइस हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे गाइस किसी भी हाल में अपने आप को बचाना पड़ेगा। काफी देर तक गाइस इससे फाइट करने के बाद मैंने फाइनली गाइस इस लूप मॉन को कैप्चर कर ली। काफी देर तक और घूमने के बाद गाइस मुझे और दो ब्यूटीफुल से कूल पैल दिख रहे थे सामने की तरफ जो कि ये गाइस रिलैक्सोसॉरस। गाइस मुझे इनको भी किसी भी आल में पकड़ना है। ओके गाइस मैंने यहाँ पे एक पे अटैक कर दिया। एंड गाइस मैंने अपने वैन वॉर्म को भेज दिए। एंड देखते हैं गाइस कि हमारा वैन वॉर्म पकड़ पाता है या फिर नहीं। ऑलराइट गाइस इनका हेल्थ थोड़ा सा डाउन होने दो, हम लोग गाइस डेफिनेटली एक को पकड़ लेंगे। बट गाइस वेट, यहाँ पे लिटरली में गाइस आप लोग देख सकते हो चार चार रिलैक्सोसॉरस घूम रहे। गाइस चार चार रिलैक्सोसॉरस ने मिलकर हमारे वैन वॉर्म को मार डाला। एंड इसके बाद गाइस मैंने अपने पैंकिंग को भेज दिया इनसे फाइट करने के लिए। बट गाइस मुझे डेफिनेटली एक तो चाहिए, गाइस मुझे एक रिलैक्सोसॉरस चाहिए। बट गाइस अनफॉर्चुनेटली हमारे पैंकिंग मोटे ने गाइस सारे रिलैक्सोसॉरस को मार दिया। लिटरली में गाइस पैंकिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आप लोग देख सकते हो गाइस सभी रिलैक्सोसॉरस गिरे पड़े हुए, उसने सभी को मार दिया। बट गाइस थोड़ा सा और आगे जाने के बाद मुझे एक और रिलैक्सोसॉरस मिला। गाइस इसको तो मुझे डेफिनेटली पकड़ना है। इस पे गाइस मैंने अपना नेटविंग छोड़ दिया। गाइस नेटविंग थोड़ा सा गाइस इसका हेल्थ डाउन कर लेगा, मैं इसको अंदर कर लूंगा। एंड गाइस इसको मैं अकेले मारने वाला हूं। एंड गाइस इसको मुझे किसी भी आल में कैप्चर करना है, आप लोग देख सकते हो इस नेटविंग ने इसका काफी ज्यादा हेल्थ डाउन कर लिया। एंड गाइस मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दे दिया, बट गाइस फर्स्ट अटेम्प्ट में ये आया नहीं। ऑलराइट गाइस ये आ ही नहीं रहा गाइस बिल्कुल भी मेरे पोकीबॉल के अंदर। मैंने यहां पे गाइस अपने कितने सारे पोकीबॉल वेस्ट कर लिए इसको पकड़ने के लिए। अबे आ जा यार रिलैक्सोसॉरस, लिटरली में ये आ ही नहीं रहा। ऑलराइट गाइस काफी ज्यादा देर तक इससे फाइट करने के बाद मैंने फाइनली अपने रिलैक्सोसॉरस को पकड़ लिया। वापस बेस पर आकर गाइस मैंने बनाया वैन वॉर्म के लिए एक सैडल गाइस हम लोग ताकि वैन वॉर्म पर उड़ सके। एंड मैंने बनाया गाइस रुशोर के लिए एक सैडल ताकि गाइस हम लोगों को बहुत ही ज्यादा और मिल सके। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस इसके एक अटैक से हमें कितना ज्यादा और मिलता है। एंड हम लोग बहुत ज्यादा इंगोट्स बना सकते हैं। डंजन से निकलने के बाद गाइस मैं आ चुका हूं एक और बॉस फाइट करने लुनारिस से। आप लोग देख सकते हो गाइस 32 लेवल का बॉस है, लिटरली में गाइस 32 लेवल का बॉस है। एंड इसको मारने के लिए गाइस मैंने यहाँ पे अपना रिलैक्सोसॉरस भेज दिया। एंड देखते गाइस हमारा रिलैक्सोसॉरस कैसा कर पाता है, बट गाइस रिलैक्सोसॉरस से कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे गाइस मैंने अपने लूप मॉन को भेज दिया जो कि गाइस एक फायर टाइप एंड एक डार्क टाइप पोकेमोन है। देखते गाइस ये कैसा कर पाती है। एंड गाइस वेट, गाइस लिटरली में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये लुनारिस, लिटरली में आप लोग देख सकते हो गाइस। बाकी सारे पोकेमोन्स की तरह गाइस ये भी मेरे पीछे लगी है क्योंकि गाइस इसको पता है अगर मैं मर गया तो ये बैटल भी यहीं पे खत्म हो जाएगा। मैंने गाइस लूपमोन को अंदर बुला लिया। एंड मैंने गाइस इससे लड़ाई करने के लिए भेज दिया अपने पैंकिंग को। देखते गाइस हमारा पैंकिंग इसको कैसा डैमेज दे पाता है, आप लोग देख सकते हो गाइस माइनर माइनर सा डैमेज हमारा पैंकिंग इसको दे रहा है। वेट ऑल राइट गाइस यहां पे एक अच्छा डैमेज हमारे पैंकिंग ने इसको दे दिया गाइस, लिटरली में इसको जमा दिया हमारे पैंकिंग ने।
बट गाइस ये भी बहुत ही ज्यादा गंदा डैमेज दे रही है। एंड गाइस ये मेरे पीछे क्यों लगी है, लिटरली में गाइस ये मेरे पीछे लगी है। गाइस अगर इसने मुझे मार दिया तो गाइस यहीं पे हमारा बैटल खत्म हो जाएगा। गाइस इससे काफी ज्यादा देर फाइट करने के बाद इसने लिटरली में हमारे पैंकिंग को भी मार डाला। एंड गाइस अब मेरे पास कोई भी ऐसा पैल नहीं है गाइस जो इसको मार सके। अब मुझे गाइस अकेली इसको मारना पड़ेगा लिटरली में। गाइस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। आप लोग गाइस जाकर वीडियो को लाइक कर दो। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस ये लिटरली में मुझे बहुत ज्यादा मार रही है। मैंने यहाँ पे गाइस इसको पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश की। यहाँ पे गाइस मेरे गीगा स्पेयर भी खत्म हो चुके ऑलमोस्ट। आ जा गाइस यहाँ पे इसका 1000 हेल्थ बचा है। बट गाइस आप लोग देख सकते हो ऑल राइट गाइस इसका वेट इसका बहुत ज्यादा गाइस हेल्थ अभी भी बचा था। यहाँ पे गाइस लिटरली में मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। गाइस ये हमारे 1000 हेल्थ होने के बावजूद भी आ चुका है हमारे पास गाइस लुनारिस। गाइस लुनारिस को पकड़ने के बाद मैंने सोचा अपने बेस को थोड़ा सा अपग्रेड करने का। मैं आ चुका हूँ गाइस, मुझे यहाँ पे बहुत सारा वुड चाहिए। ऑल राइट गाइस तो काफी ज्यादा टाइम लगाने के बाद अपने बेस पर आप लोग देख सकते हो गाइस हमारा बेस कुछ ऐसा लग रहा है। गाइस यहाँ पे मैंने सामने पैल्स के सोने का जगह बना दिए। सामने की तरफ आप लोग देख सकते हो गाइस हमारे सारे वर्क बेंच है। एंड इसके अलावा हमारे एग इनक्यूबिलेटर। एंड यहाँ पे गाइस मैंने अपने सारे चेस्ट वगैरह रखे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड गाइस अब हमारा बेस काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। बेस बनाने के बाद गाइस मैं चला गया मेमोरेस्ट से फाइट करने के लिए। आप लोग देख सकते हो गाइस सामने की तरफ इतना जायंट मेमोरेस्ट है। मैंने गाइस यहाँ पे कैटरिस को छोड़ दिया मेमोरिस्ट को मारने के लिए। एंड गाइस यहाँ पे मेमोरिस्ट को बहुत ही अच्छा खासा डैमेज पड़ रहा है कैटरिस से। बट गाइस कैटरिस का भी हादे से ज्यादा हेल्थ जा चुका है। गाइस लिटरली में आप लोग देख सकते हो कैटरिस अच्छा कर रही है बट गाइस यहाँ पे कैटरिस मरने वाली है। आप लोग देख सकते हो मैंने कैटरिस को अंदर बुला लिए। एंड गाइस मैंने अपने वैन वाम को भेज दिया गाइस मेमोरिस्ट को मारने के लिए। आप लोग देख सकते हो गाइस मेमोरिस्ट का बहुत ज्यादा हेल्थ डाउन हो चुका है हमारे वैन वाम की वजह से। आज गाइस हम लोग किसी भी हाल में मेमोरिस्ट को पकड़ कर रहेंगे, किसी भी हाल में आज गाइस हम लोग कैसे भी करके मेमोरिस्ट को पकड़ कर रहेंगे। आप लोग देख सकते हो गाइस आधे से ज्यादा कम हो चुका है हेल्थ मेमोरिस्ट का। एंड गाइस मैं भी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे से डैमेज दे रहा हूँ मेमोरिस्ट को किसी भी हाल में। गाइस आज हम लोगों को मेमोरिस्ट को पकड़ना है। एंड गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा देर मेमोरिस्ट से फाइट करने के बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया अपना मेमोरिस्ट को पकड़ने के लिए। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस 5% का कैप्चर रेट था बट गाइस यहाँ पे मेमोरिस्ट नहीं आया। एंड मैंने सेकंड अटेम्प्ट लिया गाइस मेमोरिस्ट को पकड़ने के लिए बट गाइस यहाँ पे ऑल राइट ओके गाइस यहाँ पे भी मेमोरिस्ट नहीं आया। एंड गाइस मैंने थर्ड अटेम्प्ट भी लिया लेकिन गाइस पता नहीं क्यों मेरे इतने सारे पोकीबॉल वेस्ट करने के बाद भी मेमोरिस्ट नहीं आ रहे हमारे पास। एंड गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो मेमोरिस्ट आया नहीं। एंड गाइस हमारे वैन वाम ने मेमोरिस्ट को यहाँ पे मार दिया। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो ये मेमोरिस्ट का बच्चा मर गया लेकिन हमारे पास नहीं आया लिटरली में। गाइस अब मुझे कोई और मेमोरिस्ट देखना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो गाइस फाइनली लेकिन हम लोगों ने मेमोरिस्ट को मार दिया। ऑल राइट गाइस मेमोरिस्ट को मारने के बाद मैं चला गया एक और बॉस फाइट करने के लिए। आप लोग देख सकते हो गाइस सामने की तरफ बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा पहले एल्पीड्रेन। गाइस हम लोगों को किसी भी हाल में इस पहल को आज पकड़ना है। एंड गाइस ये सिंडिकेट हर जगह आ जाते हैं। गाइस इस सिंडिकेट को तो गाइस मैं देख लूंगा। मैंने भेज दिया गाइस अपने लुनारिस को इस पहल को पकड़ने के लिए। एंड देखते हैं गाइस कि हमारी लुनारिस पहल को पकड़ पाती है लिटरली में। आप लोग देख सकते हो गाइस 30 लेवल का पहल है ये, 30 लेवल का। गाइस ये हमारे पास आ गया तो हमारा बेस बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। एंड गाइस काफी ज्यादा देर तक फाइट करने के बाद हमारे लुनारिस ने इसका थोड़ा सा हेल्थ डाउन कर लिया लिटरली में। गाइस काफी ज्यादा पावरफुल पहल है ये। एंड गाइस मुझे आज किसी भी हाल में इसको पकड़ना है। आप लोग देख सकते हो गाइस ये बहुत ही बढ़िया तरीके से उड़ भी सकता है जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। गाइस मुझे किसी भी हाल में इस पैल को पकड़ना है। ऑल राइट गाइस हमारा लुनारिस काफी बढ़िया तरीके से इसको अटैक कर रही है बट वेट गाइस यहाँ पे इसको इतना असर नहीं हो रहा। हम लोगों को गाइस इसको मारने के लिए कोई और पैल को, कोई और बड़े पैल को भेजना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस मैंने यहाँ पे वैन वाम को भेज दिया इसको मारने के लिए। देखते हैं गाइस वैन वाम इसको मार पाता या फिर नहीं। बेसिकली गाइस वैन वाम एक डार्क टाइप एंड फायर टाइप पोकीमोन है एंड ये एक ड्रैगन टाइप पोकीमोन है। वैन वाम इसका लिटरली में गाइस बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा सा हेल्थ कम कर पा रहा है बट गाइस यहाँ पे वैन वाम से कुछ नहीं होने वाला।
मुझे गाइस पैंकिंग को भेजना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस, मैंने यहाँ पे पैंकिंग को भेज दी इससे लड़ाई करने के लिए। गाइस इसको थोड़ा सा हेल्थ बचा है गाइस, किसी भी हाल में हमें इसको पकड़ना है। बट गाइस ये अभी मेरा पीछा कर रही है लिटरली, मैं आप लोग देख सकते हो गाइस ये मेरा पीछा कर रही है। एंड किसी भी हाल में गाइस इसको पकड़ना पड़ेगा आज तो। एंड गाइस काफी ज्यादा देर तक लड़ाई करने के बाद हमारे पैंकिंग ने इसका काफी ज्यादा हेल्थ डाउन कर लिया। अभी थोड़ा सा हेल्थ बचा है गाइस इसका, इसको मैं गाइस मैं जाता हूँ उसको फर्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए। अगर तो गाइस ये मर गए तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकता है, बिकॉज गाइस हमें इसे मारना नहीं है, हमें इसे पकड़ना है, हमें इसको टैम करना है। ओके गाइस आप लोग देख सकते हो इसका बिल्कुल ही थोड़ा सा हेल्थ बचा है। ऑल राइट गाइज, मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट करने वाला हूँ। एट गाइज 1% चांस था, 8% चांस है। वेट गाइज ये फर्स्ट अटेम्प्ट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा गाइज, मुझे पता था ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आएगा। एंड गाइज देखते हैं पैंकिंग इसका थोड़ा सा और हेल्थ डाउन करे तो गाइज मैं यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट करने वाला हूँ। एंड देखते गाइज ये सेकंड अटेम्प्ट में आएगा। ऑल राइट गाइज, मैंने यहाँ पे इसको सेकंड अटेम्प्ट दे दिए, बट गाइज ये अभी भी नहीं आया लिटरली, मैं आप लोग देख सकते हो गाइज ये नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों मेरे पोकी बॉल्स वेस्ट करे जा रही है। ऑल राइट गाइज, बहुत सारे अटेम्प्ट करने के बाद अभी गाइज इसका थोड़ा सा हेल्थ बचा है लिटरली में 23। अगर गाइज अभी इसको एक भी अटैक लगा ये मर जाएगा। ओके गाइज मैंने यहाँ पे इसको भेज दिया। ऑल राइट, ओके ओके ओके, ऑलमोस्ट गाइज। ओके गाइज हम लोगों ने पकड़ लिया यहाँ पे एलपी ड्रेन को गाइज, बहुत ही ज्यादा देर तक इससे लड़ाई करनी पड़ी, बट फाइनली गाइज हम लोगों ने इसको पकड़ लिया। ऑल राइट गाइज, एलपी ड्रेन को पकड़ने के बाद मैं आ चुका पेटेलिया नाम का गाइज एक ग्रास टाइप पोकेमोन है 28 लेवल का, इसको पकड़ने के लिए गाइज। लेकिन इसको हम लोग बहुत ही आसानी से पकड़ लेंगे क्योंकि गाइज हम लोगों ने एलपी ड्रेन को पकड़ा गाइज, एलपी ड्रेन को। तो इसको पकड़ना गाइज इतनी बड़ी बात नहीं है। लेडी ऑफ द गार्डन गाइज बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा वैनवर्म इसका हेल्थ डाउन कर रहा है, बिकॉज गाइज वैनवर्म एक फायर टाइप पोकेमोन है एंड ये एक ग्रास टाइप पोकेमोन है। ऑल राइट गाइज, यहाँ पे इसका बिल्कुल ही थोड़ा सा हेल्थ बचा था मारने के बाद। एंड फाइनली गाइज मैंने इसको भी टेम कर लिया है। एंड गाइज इसको टेम करने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइज पैंकिंग कैसे जंप मार रहा है लिटरली। गाइज पैंकिंग गाइज बहुत ही ज्यादा क्यूट पहल है गाइज, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पटेलिया को गाइज पकड़ने के बाद मैं आ चुका हूँ अपने बेस पर। एंड यहाँ पे गाइज मैंने कुछ एग्स इनक्यूबलेट किए, जिसमें से गाइज एक में से फॉक्स निकला है। एंड देखते गाइज दूसरा लार्ज टाइप एग है, आप लोग देख सकते हो गाइस इसमें से मरेथ नाम का गाइस एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया पोकेमोन निकला है गाइस, ये न्यू पोकेमोन है। आप लोग देख सकते हो ये रहा गाइस बहुत ही ज्यादा बढ़िया डार्क टाइप पोकेमोन है गाइस। एंड यहाँ पे गाइस ये पैदा होते ही हमारे साथ स्टोन तोड़ रहा है गाइस, बहुत ही ज्यादा बढ़िया एंड क्यूट पोकेमोन है गाइस। मैंने अपने अनुबिस और वैनवर्म की ब्रीडिंग कराई थी, जिससे हमें गाइस एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया एग मिला है। आप लोग देख सकते हो गाइस मैंने इस एग को इनक्यूबेट किया, जिससे हमें फेलरिस नाम का एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया पोकेमोन मिला है। आप लोग देख सकते हो गाइस ये कितना ज्यादा बड़ा और बढ़िया पोकेमोन है गाइस, वैनवर्म और अनुबिस का बच्चा है लिटरली में गाइस। मैं आ चुका हूं गाइस एक और बॉस फाइट करने के लिए। आप लोग देख सकते हो गाइस ग्रीन टेल नाम का एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया बिल्ली टाइप पोकेमोन है गाइस, जिसके दो पूंछ है आप लोग देख सकते हो गाइस। लेकिन 17 लेवल का गाइस हम लोग बहुत ही आराम से इसको मार देंगे, काफी ज्यादा बढ़िया गाइस ग्राउंड टाइप पोकेमोन है ये गाइस लिटरली में, हम लोग इसको बहुत ही आराम से मार देंगे। बट गाइस ये दिखने में बहुत ही ज्यादा स्कैरी लग रहे हैं। एंड गाइस ये मेरे पीछे भाग रहे हैं, आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही ज्यादा स्कैरी है ये। एंड मैंने गाइस अपने हेल्पी ड्रेन को इस पर छोड़ दिया। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस हेल्पी ड्रेन इसको बहुत ही गंदे तरीके से मार रहा है, इसका काफी ज्यादा हेल्थ डाउन कर दिया गाइस हेल्पी ड्रेन ने। बट गाइस हमें इसको कैच करना है, इसको मारना नहीं है अबे हेल्पी ड्रेन के बच्चे, रुक जा। ऑल राइट गाइस मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया है, देखते गाइस ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आता है या फिर नहीं। ऑल राइट गाइस, ओके ओके, आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैंने कैच कर लिया ग्रीन टेल को। एंड गाइस इसको कैच करने के बाद हमारा हेल्पी ड्रेन यहाँ पे गाइस बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से जंप पे मारने लग गया। वेल तो गाइस ग्रीन टेल को पकड़ने के बाद मैं आ चुका हूँ मुसाइंडा लक्स को पकड़ने के लिए, जो की ग्रीन टेल से ही गाइस मैं पकड़ रहा हूं। आप लोग देख सकते हो गाइस इसका बहुत ज्यादा हेल्थ डाउन हो चुका है। एंड गाइस इसको तो हम बहुत ही आसानी से पकड़ लेंगे गाइस, बहुत ही बढ़िया सब छोटा सा ही गाइस पोकेमोन था ये। बट गाइस ये बहुत ही बढ़िया तरीके से जो उड़ता है ना गाइस, मुझे बहुत ही ज्यादा ये क्यूट लगता है मुसेंडा लक्स, आप लोग देख सकते हो गाइस। एंड ये इलेक्ट्रिक टाइप मुसेंडा लक्स है, इस गेम में दो टाइप के गाइस, एक ग्रास टाइप मुसेंडा लक्स भी है। बट गाइस ये जो है ये बॉस मुसेंडा लक्स है, जो कि इलेक्ट्रिक टाइप है। बट गाइस आज हम लोग इसको पकड़ने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको हम कैच करेंगे। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे हमारे ग्रीन टेल ने इसका काफी ज्यादा हेल्थ डाउन कर लिया। मैं यहाँ पे गाइस अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हो गाइस इसने मुझे बहुत ही ज्यादा गंदे वाला शॉक दिया। एंड गाइस ऑलमोस्ट आ चुके, ओके गाइस
फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गाइस हम लोगों ने मुसेंडा लेक्स को भी यहाँ पे पकड़ लिया। एंड गाइस इसके बाद मैं गया एक बहुत ही अजीब से आइलैंड में जहाँ पे गाइस मुझे और भी बॉस पोकेमॉन्स मिले। इस वाले आइलैंड पे गाइस आते ही क्रिटिकल एक्टिविटी अंडर वे पता नहीं गाइस क्यों दिखा रहे, बट गाइस यहाँ पे लिटरली में वो बॉस पोकेमॉन जो हमें डंजन में मिलते हैं गाइस यहाँ पे बड़े आराम से घूम रहे हैं। पैंकिंग एज़ुरू भी गाइस बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे घूम रहे हैं। एंड गाइस मैंने अपने वेनवॉर्म को भेज दिया इस पैंकिंग को मारने के लिए, क्योंकि गाइस मुझे यहाँ से पैंकिंग तो चाहिए लिटरली में। गाइस हम लोग इतना दूर आए हैं तो एक दो गाइस पैंकिंग तो आराम से पकड़ के जाएंगे। गाइस हमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ था शुरू में पैंकिंग को पकड़ने के लिए। एंड गाइस अब हम लोग चीटी की तरह लिटरली में पैंकिंग पकड़ रहे हैं। पैंकिंग को मारने के बाद गाइस सामने की तरफ मुझे दिखा ग्रीस बोल्ट जो कि हमें मिला था गाइस डंजन में, जिसको हमने मार दिया था। एंड गाइस अब मुझे किसी भी हाल में इसको पकड़ना है। गाइस मैंने अपने एलपी ट्रेन को भेज दिया इसको मारने के लिए जो कि बहुत ज्यादा जल चुका है। गाइस आप लोग देख सकते हो हमें गाइस किसी भी हाल में अभी इसको पकड़ना है, इसको मारना नहीं है। अबे रुक जाओ एलपी ट्रेन के बच्चे, और यहाँ पे एलपी ट्रेन ने गाइस मार दिया लिटरली में गाइस इसको मार दिया। हमें गाइस इसको पकड़ना था बट यहाँ पे गाइस ये मर चुका है। एंड इसके बाद गाइस मैं अपने बेस की तरफ जा रहा था कि सामने मुझे एक और मेमोरिस्ट दिखा। ओके गाइस हम लोगों को किसी भी हाल में गाइस अब मेमोरिस्ट को पकड़ना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो गाइस मैंने अपने वेनवॉर्म को भेज दिया मेमोरिस्ट पर अटैक करने के लिए। एंड गाइस वेनवॉर्म काफी ज्यादा बढ़िया अटैक करता है मेमोरिस्ट पर, क्योंकि गाइस मेमोरिस्ट एक ग्रास टाइप पोकेमोन है एंड हमारा वेनवॉर्म जो है वो एक फायर टाइप पोकेमोन है, तो काफी ज्यादा बढ़िया अटैक रहता है। तो काफी ज्यादा देर तक गाइस मेमोरिस्ट से फाइट करने के बाद मैंने फाइनली गाइस मेमोरिस्ट को यहाँ पे टेम कर लिया है। आप लोग देख सकते हो गाइस मेमोरिस्ट को गाइस हम लोगों ने टेम कर लिया है। ऑल राइट गाइज मेमोरिस्ट को मारने के बाद मैं आ चुका हूँ एक और डंजन में। आप लोग देख सकते हो गाइज रिलैक्स सोरस लक्स को पकड़ने के लिए। आप लोग देख सकते हो गाइज कितना ज्यादा बड़ा रिलैक्स सोरस है। आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रिक टाइप, यस गाइज ये ड्रैगन टाइप एंड इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है। एंड आज गाइज हम लोग इसको पकड़ने वाले हैं। मैंने अपने ग्रीन टेल को गाइज यहाँ पे भेज दिया है जो कि एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन है, तो इस पे काफी ज्यादा बढ़िया असर रहेगा। एंड गाइज यहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ भी डाउन हो चुका है हमारे रिलैक्सोरस लक्स का। एंड गाइज मैं अपने साथ काफी ज्यादा आज गीगा स्पेयर लेकर आया हूँ। गाइज मुझे किसी भी हाल में आज रिलैक्सोरस लक्स को अपने बेस पर ले जाना है, क्योंकि गाइज अगर इसको हम अपने बेस पे ले जाएंगे तो लिटरली में गाइज हमारा बेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ऑल राइट गाइज इससे काफी ज्यादा देर हो गया, गाइज हम लोग फाइट कर ही रहे हैं। मैंने अपने एलपी ड्रेन को भी भेजे बट गाइज इसका लिटरली में थोड़ा सा हेल्थ डाउन हुआ है। गाइज 31 लेवल का है गाइज लिटरली में, ये 31 लेवल का आप लोग देख सकते हो। एंड गाइज ये भी बाकी सारे पोकेमॉन्स की तरह ये भी मेरे ही पीछे लगा हुआ है, बिकॉज गाइज इसको भी पता है कि ये मुझे मारेगा। आप लोग देख सकते हो गाइज ये मुझे ही मारे जा रहे हैं, बिकॉज गाइज इसको पता है कि ये मुझे मारेगा तो यही पे ये बैटल खत्म हो जाएगा एंड ये बच जाएगा लिटरली। मैं आज तो इसको गाइज मैं पकड़ने ही वाला हूँ। आज मैं इसको पकड़ कर अपने बेस पर किसी भी हाल में ले जाऊंगा, चाहे जितना भी गाइज टाइम लग जाए। मैंने यहाँ पे अपने गेल क्लो को भेज दिया है जो कि गाइज बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से पिट रहा है। एंड गाइज ये पता नहीं मेरे पीछे क्यों आ रहा है लिटरली। मैं गाइज इन पोकेमॉन्स को पता नहीं क्या होता है गाइज, ये मेरे पीछे ही आते हैं गाइज। मेरे पोकेमॉन से लड़ाई करो ना भाई, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। ऑल राइट गाइज पूरे एक घंटे से हम लोग यहाँ पे इस रिलैक्सोरस से लड़ाई करे जा रहे हैं। मैंने गाइज अपने लुनारिस को भेज दिया इससे लड़ाई करने के लिए। अभी गाइज इसका काफी हेल्थ डाउन हो गया। मैंने यहाँ पे गाइज अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया बट गाइज फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ये कभी भी नहीं आएगा, ये मुझे पता है बिल्कुल। गाइज ये फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी नहीं आएगा एंड देखते हैं गाइज क्या होता है लिटरली में। ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया पोकेमोन है गाइज, मुझे इसको पकड़ना है किसी भी हाल में। मैंने सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे दे दिया आप लोग देख सकते हो, बट गाइज ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा लिटरली में। गाइज काफी सारे मेरे पोकेमोन्स वेस्ट हो रहे हैं एंड आप लोग देखो। ऑल राइट फाइनली गाइज फाइनली हम लोगों ने रिलैक्सोरस लक्स को यहाँ पे टेम कर लिया है, हमारे लुनारिस ने गाइज यहाँ पे टेम कर लिया लिटरली। गाइज कितनी ज्यादा प्यारी है गाइज लुनारिस। ऑल राइट गाइज हम लोगों ने टेम किया है रिलैक्सोरस लक्स को, इसीलिए गाइज आप लोग जाओ वीडियो को लाइक करो गाइज, कमेंट में ओपी गेमर लिख दो, ओपी गेमर रिवेंजर ओपी गेमर। ऑल राइट गाइज रिलैक्सोरस लक्स को पकड़ने के बाद हम लोग आ चुके हैं यूनिवोल्ट को पकड़ने के लिए, जिसने गाइज हम लोगों को मारा था। गाइज हम लोग फिर से आ चुके इसको पकड़ने के लिए।
पिछली दफा तो गाइस मैं भाग गया था, बट गाइस इस दफा मैं बहुत ज्यादा पावरफुल होकर आया हूँ इसको पकड़ने के लिए। एंड गाइस आज तो किसी भी हालत में इसको पकड़ कर ही हम लोग जाएंगे। आप लोग देख सकते हो गाइस ये मुझे ही शौक दे रहा है। एंड गाइस ये भी मेरे पीछे आता है, मुझे पता है गाइस मुझे खुद को गाइस यहाँ पे बचाना पड़ेगा। एंड मेरे पोकेमॉन्स इतने पावरफुल है गाइस, मुझे पता है कि इसको मार सकते हैं। एंड गाइस मैं इसको बहुत ही आसानी से टेम कर सकता हूँ। ऑल राइट गाइस आप लोग देख सकते हो, ये पता नहीं मुझे पता नहीं शौक पे शौक दिए जा रहे हैं गाइस, मुझे खुद को किसी भी हाल में बचाना पड़ेगा। एंड गाइस मैं सोच रहा हूँ अभी लुनारिस को भेजने का इसको मारने के लिए, बिकॉज गाइस यहाँ पे एलपी ड्रेन ने इसका काफी ज्यादा हेल्थ डाउन कर लिया है। एंड गाइस मैंने यहाँ पे लुनारिस को भेज दिया। एंड देखते गाइस लुनारिस इसको मार पाती है या फिर नहीं। मुझे तो गाइस अभी दूर ही रहना पड़ेगा, बिकॉज गाइस इसने मेरा शील्ड तोड़ दिया। लिटरली में मुझे एक शॉक मारकर गाइस इसने मेरा शील्ड तोड़ दिया। एंड गाइस फिर से ये मेरे ही पीछे पता नहीं क्यों लगा हुआ है। गाइस मुझे किसी भी आल में इसको आज पकड़ना पड़ेगा। ये काफी ज्यादा गाइस पावरफुल पोकेमोन है, 31 लेवल का पोकेमोन है गाइस। आज तो गाइस इसको पकड़ कर ही रहेंगे किसी भी आल में। ऑल राइट गाइस मेरा लुनारिस कब से इससे फाइट कर रहा है गाइस, हमें बहुत ज्यादा देर हो गए, तकरीबन गाइस एक घंटे से हम लोग इससे फाइट करे जा रहे हैं। बट गाइस ये पता नहीं मेरे पीछे लगा हुआ है। ये गाइस मैंने अभी अपने ग्रीन टेल को भेज दिए। एंड देखते गाइस ये कैसा कर पाती है। गाइस ग्रीन टेल इसके खिलाफ काफी ज्यादा इफेक्टिव है, बट गाइस ग्रीन टेल का थोड़ा सा ही हेल्थ बचा हुआ है। गाइस मुझे लगता है ये ग्रीन टेल को मार देगी। एंड देखते हैं गाइस ग्रीन टेल कर पाती है या फिर नहीं। आप लोग देख सकते हो गाइस ग्रीन टेल इसको काफी बढ़िया अटैक दे सकती है गाइस, बट ग्रीन टेल का लिटरली में थोड़ा सा ही गाइस हेल्थ बचा हुआ है। तो मुझे गाइस फिर से एलपी ड्रेन को भेजना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो गाइस इसने ग्रीन टेल को मार दिया, लिटरली में इसने हमारे पोकेमोन को मार दिया। अभी मैं गाइस एलपी ड्रेन को भेजने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे गाइस एलपी ड्रेन को भेज दिया। एंड देखते हैं गाइस एलपी ड्रेन इसका कितना ज्यादा हेल्थ डाउन कर पाती है। ऑल राइट गाइस पूरे 2 घंटे से इससे लड़ाई करने के बाद भी गाइस अभी तक मैंने इसको नहीं पकड़ा। मैंने गाइस यहाँ पे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया है। एंड वेट गाइस फर्स्ट अटेम्प्ट में लिटरली में गाइस फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोगों ने यूनिवोल्ट को पकड़ा है गाइस, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। लिटरली में गाइस मैं लुनारिस को जब भी निकालता हूं गाइस लुनारिस आखिरी में आती है, बट गाइस हमारा पैल पकड़ा जाता है लुनारिस की वजह से। ऑल राइट गाइस वापस बेस पर आने के बाद मैंने बनाया अपने लिए एक मेटल आर्मर। आप लोग देख सकते हो गाइस मैंने इसको पहन लिया। मुझ पे कैसा लग रहा है गाइस ये जल्दी से जाके मुझे कमेंट में बता देना। एंड गाइस जंगल से हम लोगों को एक इलेक्ट्रिक टाइप लार्ज एग मिला था, जिसको मैंने इनक्यूबेट किया था, जिससे हम लोगों को बीकन मिल चुका है गाइस। एक नया पोकेमोन हमारे बेस में आ चुका है। एंड गाइस इसके बाद हुआ हमारे बेस पे रेड। एंड आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ से कितने छोटे छोटे से पोकेमोन आ रहे हैं। एंड हमारे बेस पे कितने ज्यादा बड़े बड़े पोकेमोन है। हमारे पोकेमोन ने गाइस लिटरली में 2 सेकंड में लोगों को मार दिया। एंड तू क्या कर रहा है भाई, तू भी निकल। ऑल राइट गाइस यहाँ पे सबको खत्म कर लिया हमारे पोकेमोन्स ने। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस हमारा बेस अभी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया। हम लोगों ने काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमोन्स पकड़ कर अपने बेस पे छोड़ दिए। ऑल राइट गाइस तो ये थे हमारे 100 डेज इन पैल वर्ल्ड। अगर गाइस आप लोगों को पैल वर्ल्ड पे पूरी सीरीज चाहिए तो मुझे कॉमेंट में बता देना, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए बना दूंगा। एंड गाइस इस वीडियो को बनाने में मुझे पूरा 1 महीना लगा, तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना एंड एक ब्यूटीफुल सा कॉमेंट छोड़ कर जाना। एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मैं आप लोगों से मिलूंगा एक और ऐसी ब्यूटीफुल सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।